मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय। छप्पन दुकानों की विभिन्न दुकानों में मिलने वाले अलग अलग चीजें अब एक मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगी। छप्पन दुकान को पहले ही क्लीन स्ट्रीट फूड हब का तमगा दिया जा चुका है और यहाँ मिलने वाला खाना अब एक ऐप के जरिए मंगाया जा सकेगा। शहर के पलासिया क्षेत्र में स्थित छप्पन दुकान खाने पीने का मशहूर बाजार है। यहाँ एक से बढ़कर एक दुकानों पर स्वादिष्ट खाने की चीज़ें मिलती हैं। जिला प्रशासन और छप्पन दुकान व्यापारी एसोसिएशन द्वारा एक ऐप तैयार किया जा रहा है और इस ऐप के जरिए ये पता चल जाएगा कि कौन सी दुकान की क्या खासियत है, किस दुकान पर खाने की कौन सी चीज़ मिलती है और दुकान का हाइजीनिक कंडीशन कैसी है और वहाँ कस्टमर को कैसी सर्विस दी जाती है। ये सारी बातें भी ऑनलाइन ऐप पर पता पड़ जाएंगी। इस ऐप के जरिए खाने की क्वालिटी और सर्विस को लेकर दुकानों की रेटिंग भी की जाएगी, जिसके चलते दुकानदार अपनी सेवा को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। शहर के साथ ही बाहर से आने वाले नागरिकों को भी ये सुविधा प्रदान की हो जाएगी कि उन्हें कौन सी दुकान से कौन सी खास चीज़ मंगानी चाहिए। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने छप्पन दुकान एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस योजना पर बात की और ये तय हुआ है कि अब छप्पन दुकान की सारी दुकानों की नंबरिंग की जाएगी और इस ऐप के जरिए छप्पन दुकान के कारोबारियों को फ़ायदा भी होगा और कोई भी ऐप की मदद से दुकानदार को सीधे ऑर्डर दे सकता है। ऐप में हर दुकान का नंबर, उसका फ़ोटो, संचालक का नाम, फ़ोन नंबर और वहाँ कौन सी डिश फेमस है उसकी जानकारी दी जाएगी, साथ ही किस डिश में कितनी कैलोरी है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए वॉचिंग टावर भी लगाया जाएगा। इस पर CCTV कैमरे लगे होंगे जिससे सारी दुकानों पर नज़र रखी जा सकेगी। साथ ही ₹1,25,000 का कीमत का कॉमन डिशवॉशर भी लगाया जाएगा जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों रहेगा और जिसकी मदद से सारी दुकानों के झूठे बर्तन धोए जा सकेंगे। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में छप्पन दुकान की तमाम दुकानों को शामिल कर लिया गया है और अब एक ऐप के जरिए आपको यहाँ खाने की प्रसिद्ध चीज़ें, यहाँ का हाइजीन और सर्विस की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।